व वबरक दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल इस्लामोफोबिया की एक लहर चल पड़ी है जिसको देखो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा करने के लिए बेताब नजर आता है ऐसे में नास्तिकों को भी अपनी दुकान चमकाने का गोल्डन चांस मिल गया है आज के वीडियो में नास्तिकों के एक गलत इल्जाम और बेबुनियाद आरोप का जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह दरअसल कुछ लिबरल्स नास्तिक और हमारे इंडियन ब्रदर्स की खाम ख्याली है कि इस्लाम साइंस के खिलाफ है इस इल्जाम का जवाब तो देंगे ही साथ ही नास्तिकों के नास्तिकवाद का भी जायजा लेंगे ये खुद को बहुत बड़े ग्रेट थिंकर इंटेलेक्चुअल और रैशनलिस्ट समझते हैं इनका दावा है कि डीप रिसर्च और सीरियस स्टडी के बाद ही इन्होंने एथिज्म यानी नास्तिकवाद को अपनाया है आज हम हवालों के साथ इनके इस दावे की पोल खोलेंगे तो आए पहले हम इस्लाम पर इनके बेबुनियाद आरोप आरोप का जायजा लेते हैं इनका आरोप है है कि सभी धर्म एजुकेशन लॉजिक और साइंस के खिलाफ है। सभी धर्मों में क्या है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन इस्लाम ने एजुकेशन और साइंस की फील्ड में कितना योगदान दिया इससे आंखें फेरना सरासर जहालत और मूर्खता है मुस्लिम साइंसदानों की लिस्ट काफी लंबी है इसीलिए मैं उधर ना जा करके यूरोप के थिंकर्स और राइटर्स ने जो इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में कहा है उनकी तरफ इशारा कर देना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ इससे आपके सामने कुछ अहम किताबों का जिक्र भी आ जाएगा जिनका स्टडी आप बाद में जाकर कर सकते हैं नंबर एक इस्लामिक साइंस एंड इंजीनियरिंग डोनाल्ड आर हिल ने इस्लामिक साइंस और इंजीनियरिंग पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है इसमें एक जगह वो लिखते हैं बारहवीं सदी और तेरहवीं सदी का शुरुआती पीरियड वो महान पीरियड है जब पश्चिम में इस्लामी साइंस तेजी से फैला और अरबी से लैटिन ट्रांसलेशन की लहर चली जिसने यूरोपीय साइंस की तरक्की के लिए ईंधन का काम किया नंबर दो हाउ इस्लाम क्रिएटेड द मॉडर्न वर्ल्ड नाइन एलेवन के बाद जब मुसलमानों को हर तरफ से घेरा जाने लगा और हर मुसलमान को गंवार और अनपढ़ करार दिया जाने लगा तो इंसाफ पसंद राइटर मार्क ग्राहम खड़े हुए और उन्होंने किताब लिखी हाउ इस्लाम क्रिएटेड द मॉडर्न वर्ल्ड ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसको इस्लाम ने कैसे क्रिएट किया कैसे निर्माण किया इस किताब में उन्होंने बताया यूरोप मिडिल एज यानी मध्ययुग में अंधविश्वास और जागीरदाराना इंतशार यानी सामानती अराजकता में फंसा हुआ था उस वक्त इस्लामी खिलाफत की राजधानी बगदाद पूरी दुनिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर यानी बौद्धिक केंद्र बना हुआ था वहां एक ट्रांसलेशन आर्मी थी जिसने यूनानियों के ज्ञान को अपने कल्चरल विरासत से जोड़कर एक साइंटिफिक मैथमेटिकल और सुनहरे दौर का निर्माण किया ईसाई यूरोप अपने पुनर्जागरण यानी नशात सानिया के वक्त पर्शियन कपड़े पहनता था अरबिक गाने गाता था स्पेनिश मुसलमानों की फिलासफी पढ़ता था और टर्किश ममलूक के पीतल के बर्तनों में खाना खाता था ये कहानी है उन मुसलमानों की जिन्होंने यूरोप को बेहतर ज़िंदगी गुजारने और स्पष्ट सोचने की कला सिखाई ये कहानी है इस्लाम की कि कैसे उसने मॉडर्न वर्ल्ड का निर्माण किया नंबर तीन द एंटी ख्रिस्ट ताज्जुब की बात है कि नास्तिकों को अपने ही नास्तिक स्कॉलर्स के स्टैंड के बारे में पता नहीं है इस्लामी सिविलाइजेशन के सामने नास्तिक भी सर झुकाए नजर आते हैं फ्रेडरिक एक बहुत बड़े नास्तिक हैं उन्होंने अपनी किताब दी एंटी ख्रिस्ट में बताया कि क्रिश्चियनिटी ने हमें इस्लामिक सिविलाइजेशन के फल तोड़ने से महरूम रखा स्पेन में उस चमत्कारी कल्चरल वर्ल्ड को बुरी तरह कुचला गया Crusaders ने ऐसी चीज के खिलाफ जंग लड़ी जिसके सामने मिट्टी में उन्हें अपनी नाक रगड़नी चाहिए थी एक ऐसा सिविलाइजेशन जिसके सामने 19वीं सदी का सिविलाइजेशन खुद को फकीर और बैकवर्ड महसूस करता है नंबर चार एक और नास्तिक नील देख सैकड़ों साल बाद ये आग गर्म हुई जिसे बहुत पहले स्कॉलर्स और मुस्लिम साइंसदानों ने रोशन किया था इन बातों को सुनकर इंडियन और पाकिस्तानी नास्तिकों को पता चल गया होगा कि उनका स्टडी लेवल कितना गिरा हुआ है क्या इतना बड़ा सिविलाइजेशन बिना एजुकेशन के खड़ा हो सकता है हमारे पास तो ढेरों परमाण है अगर ना भी होते तो भी लॉजिक ये नहीं मानता उम्मीद है कि वो इन किताबों का स्टडी करेंगे एक नज़र देखेंगे और फिर इस्लामी तहजीब के बारे में अपनी राय कायम करेंगे इन्होंने कहा कि धर्म लॉजिक को नहीं मानता आए सबसे बड़ा मसला यानी खुदा का वजूद है कि नहीं इसे देख लेते हैं हम एक खाली मैदान में गए वहाँ हमने पिकनिक मनाई और लौट आए दूसरे साल जब वहां गए तो वहाँ पर एक आलिशान होटल को पाया अब जहन में ख्याल आएगा कि इस होटल को किसने बनाया जवाब के लिए तीन ऑप्शंस हो सकते हैं एक ये है कि एक्सीडेंटली बन गया दूसरा ऑप्शन ये है कि होटल ने खुद को बनाया तीसरा ऑप्शन ये है कि किसी दूसरे इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट ने बनाया लॉजिक तो ये कहता है कि इसका सही आंसर तीसरा ऑप्शन है लेकिन नास्तिक इस लॉजिक को नहीं मानते वो पहले या दूसरे ऑप्शन ही को अपनाते हैं जैसे यूनिवर्स के क्रिएट करने के बारे में सवाल किया जाता है तो वो यही कहते हैं कि ये ऐसे ही बन गया अब हम नास्तिकों से सवाल करना चाहेंगे कि आपने जो नास्तिकवाद को चुना है क्या यह रैशनल चॉइस है या इसमें इमोशनल फैक्टर का दखल है क्या नास्तिक सिर्फ उसी वक्त नास्तिक बनता है जब वो साइंटिफिक एविडेंस और यूनिवर्सल प्रूफ से संतुष्ट हो जाता है नास्तिक कहते हैं कि हम रैशनल हैं लॉजिक को मानते हैं लेकिन क्या न्यू साइकोलॉजिकल रिसर्च इस बात की तस्दीक करता है नास्तिकवाद को अपनाने में जितने रीजन्स हैं इनके मुकाबले में साइकोलॉजिकल फैक्टर कितनी फीसद है इसे जानना भी जरूरी है साइकोलॉजी ऑफ एथीजम फेथ ऑफ़ फादरलेस ये किताब है जिसे 1999 में अमेरिकी साइकोलॉजी प्रोफेसर पॉल विद्स ने लिखी है किताब ने नास्तिकों में खलबली मचा दी है खुद एक नास्तिक थे वो अपने बारे में लिखते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को देखने से ये बात साफ हो जाती है कि जिन कारणों से मैं नास्तिक बना जब मेरी उम्र 18 से 38 के दरमियान थी वो निहायत ही खोखले कारण थे और इलॉजिकल भी इसमें न रैशनल इंटीग्रिटी थी न मॉरल इंटीग्रिटी यानी वो रीजंस तर्क संगत और नैतिक अखंडता से कोसों दूर थे मैं समझता हूँ कि यही मोटिव्स आजकल के विचारकों और थिंकर्स के दरमिया पाए जाते हैं प्रोफेसर विद्ज ने किताब में साइकोलॉजिकल एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल किया है और उन्होंने नास्तिकवाद के रीजन्स का अच्छी तरह विश्लेषण किया है 2016 में अमरीकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने नास्तिकों के नास्तिकवाद पर दो बार स्टडी पब्लिश की है पहली स्टडी में पता चला कि चौवन फीसद नास्तिकों ने नाउम्मीदी और जहनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से नास्तिकवाद को अपनाया था जबकि दूसरी स्टडी से पता चला कि आंकड़ा बहुत बड़ा हो चुका है स्टडी के मुताबिक बहत्तर फीसद नास्तिकों के नास्तिकवाद का कारण इमोशनल फैक्टर है यानी दो तिहाई नास्तिकों का खुद लॉजिक तर्क और रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है और सवाल हमसे किया जा रहा है तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि मुसलमानों और नास्तिकों में से किसका मजहब ज्यादा रैशनल लॉजिकल और ग्रेट एजुकेटेड सिविलाइजेशन वाला है किसका चॉइस रैशनल है और किसका इमोशनल है आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त वसल